मध्य प्रदेश की सियासत में उठापटक ऐसे वक्त पर हुई जब देश एक बड़े संकट की ओर तेजी से बढ़ रहा था। कमलनाथ बेहतर मुख्यमंत्री थे या शिवराज कोरोना संकट में खुद को साबित कर पाएंगे, ये बहस आने वाले दिनों के लिए छोड़ देते हैं। कोरोना महामारी के बीच एमपी का इंदौर एक बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। भोपाल के हाल भी ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 2030 के ऊपर पहुंच गई है। 98 लोगों की इससे मौत हो चुकी है और 281 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। ऐसे में प्रदेश भी लॉकडाउन है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे आगे तक ले जाएं इसकी पूरी संभावना बताई जा रही है। एमपी में जब कोरोना ने दस्तक दी तब यहां एक अस्थिर सरकार थी। तत्कालीन सीएम कमलनाथ को जिस वक्त प्रदेश की इस भीषण आपदा पर फोकस करना चाहिए था, ठीक उसी वक्त बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के साथ हुई। उन्होंने 10 मार्च को कांग्रेस छोड़ी और फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली और यहां से सत्ता परिवर्तन का खेल शुरू हो गया। ऐसे में कमलनाथ सरकार पर दोहरा संकट छा गया, एक तरफ अपनी सरकार बचाने का और दूसरा कोरोना जैसी आपदा से निपटने का। जिस मंत्री तुलसी सिलावट पर प्रदेश के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी थी, वो खुद अपने नेता सिंधिया के कहने पर बेंगलोर के एक होटल में अपने कई और साथियों के साथ, जिसमें 6 मंत्री और कई विधायक शामिल थे, उनके साथ कमलनाथ सरकार को गिराने पहुंच गए। इस पूरे सियासी ड्रामा में बीजेपी के 2-3 दिग्गज नेताओं की भूमिका का जिक्र करना भी जरूरी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वर्तमान में शिवराज सरकार में गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह। ऑपरेशन लोटस में ये तीनों अहम किरदार थे। एक ने महाराज को बीजेपी में सेट किया, दूसरे ने सरकार बनाने और गिराने का रोडमैप तैयार किया और तीसरे ने 22 विधायकों के पूरे सिस्टम का मैनेजमेंट किया। इस सब में 10 दिन के भीतर वो वक्त भी आ गया जब कमलनाथ सरकार चारों खाने चित हो गई। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को भेदने में लगी कमलनाथ सरकार कोरोना संकट को अच्छे से भांप चुकी थी, इसलिए उन्होंने समय रहते कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। संक्रमण वाले शहर या संक्रमण की आशंका वाले शहरों का लॉकडाउन करना, जिन स्थानों पर संक्रमण का खतरा है उन शहरों में बाजार, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, पार्क बंद करना, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, मैरिज हॉल बंद करने का निर्णय, परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक करना, एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग, लगातार संक्रमण के स्थानों पर बस स्टॉप, बाजार, दफ्तरों को सैनिटाइज किया गया, सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति की अनिवार्यता को खत्म कर कर्मचारियों को एक दिन छोड़ एक दिन ऑफिस आने को कहा गया, लोगों को कम से कम घरों के बाहर निकलने की हिदायत भी दी गई और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, गरीबों को फ्री में अनाज देने की शुरुआत भी मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ ने ही की, जिसमें शुरुआत में उन शहरों जबलपुर, भोपाल जहां कोरोना के मरीज मिले हैं वहां से की गई। खैर, कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद अगले कुछ दिनों तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सवाल ये उठता है कि एमपी में हुआ सत्ता परिवर्तन का ये खेल शुरू कहां से हुआ और क्या कोरोना आपदा के बीच इस वक्त सरकार गिराकर सत्ता हासिल करना जरूरी था। दरअसल ये खेल शुरू हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से नाराजगी से, इसके बाद बीजेपी के ऑपरेशन लोटस और सत्ता परिवर्तन और आखिर में शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी पर जाकर ये खेल खत्म हुआ। लेकिन इस बीच मजबूत दिखने वाले शिवराज सिंह चौहान भी कई मौकों पर मजबूर दिखाई दिए। एक तो कोरोना महामारी पहले से ही एमपी में पैर पसारते जा रही थी, उस पर मुख्यमंत्री बनने से पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 ऐसे मौके आए जब मजबूत दिखने वाले शिवराज मजबूर दिखाई दिए। पहला तो तब जब नरेंद्र सिंह तोमर का नाम मुख्यमंत्री के लिए सामने आया, दूसरा तब जब उनके मंत्रिमंडल में मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा उनकी बराबरी पर दिखाई देने लगे, और तीसरी बार शिवराज कब मजबूर दिखाई दिए ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल फिर आपको फ्लैशबैक मिले चलते हैं।
एमपी में 20 मार्च को पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया, वो जबलपुर से। 20 मार्च को ही कमलनाथ सरकार गिर गई। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब भोपाल जबलपुर में दो जगह कोरोना की जांच के लिए लैब शुरू हो गए थे। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान की भी जमकर आलोचना हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि 22 मार्च यानी कमलनाथ की सरकार गिरने तक एमपी में ना जांच हो रही थी ना लैब थे, जबकि तथ्य कुछ और थे। शिवराज के कमान संभालने के बाद इंदौर भोपाल जैसे शहर हॉटस्पॉट बन गए। उधर मंत्रिमंडल में देरी और वन मैन शो की तरह काम कर रहे शिवराज एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए। बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या और सियासी दबाव के बीच उन्होंने एक ऐसा मिनी मंत्रिमंडल बनाया जिस कारण वो फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गए थे और इस बार उन्हें बीजेपी के कई दिग्गज चेहरों को भी नाराज कर दिया था। हालांकि बीजेपी में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब कोई नेता पार्टी के निर्णय के खिलाफ खुलकर बोले, और ये वो तीसरा वक्त था जब मजबूत दिखने वाले शिवराज मजबूर दिखाई दिए। शिवराज अब अपने छोटे मंत्रिमंडल से, जिसे शिवराज के पांच पांडवों की संज्ञा दी जा रही है, उसके सहारे कोरोना जैसे संकट से लड़ रहे हैं। इस युद्ध को कौरव और पांडव की युद्ध की संज्ञा भी दी जा रही है। कौरव पांडव के बीच युद्ध में पांडव की जीत हुई थी और इस बार भी पूरा प्रदेश यही उम्मीद और विश्वास के साथ शिवराज के पांचों पांडवों पर अपना भरोसा जताए हुए है। लेकिन क्या एमपी और पूरे देश के जो आज हालात हैं, क्या उसे कुछ हद तक और संभाला जा सकता था? ये सवाल आज उठ रहा है। इसके अलावा कई और सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे क्या जानबूझकर लॉकडाउन के निर्णय में देरी की गई ताकि एमपी की सरकार गिराई जा सके? क्या एमपी की सरकार गिराने का निर्णय कुछ दिनों के लिए टाला नहीं जा सकता था? मुख्यमंत्री शिवराज ने सत्ता हासिल करने के लिए एमपी और देश को मुश्किल में डाला और केंद्र ने इसमें उनका पूरा साथ दिया? खैर, सत्ता के इस खेल में जनता के बारे में सोचने का वक्त शायद किसे था, लेकिन एमपी में हुए सत्ता के खेल के नायकों को उनकी मेहनत का फल जरूर मिल गया। शिवराज जहां मुख्यमंत्री बने, ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का टिकट मिला, नरोत्तम मिश्रा को सरकार में नंबर दो की कुर्सी और गृह लोक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग, कांग्रेस में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे तुलसी सिलावट भी उन पांच खुशकिस्मतों में शामिल हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया। बचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भूपेंद्र सिंह, ये शिवराज के बहुत करीबी हैं, भविष्य में कई संभावनाएं इनके लिए खुली हैं। खैर, इन सब बातों को यहीं छोड़िए। कोरोना संकट के बीच खेला गया ये सियासी खेल, इसका दोषी आखिर किसे ठहराया जाए, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कोरोना से जंग जीतना है, इसके लिए देश का हर नागरिक तैयार है और ये जनता है, सब देखती है और शायद सब समझती भी है। सागर टीवी न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।